सर हम नहीं आएंगे। जी जी आइए इधर आओ, साहब मेरे लिए ये चल गया सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। हम और आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और अखिलेश जी के साथ जो भी कुछ हुआ उन्होंने ट्वीट भी किया है। खैर हम और आप जिस उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, बहुत लोग संशय भी लगा रहे थे संगम होगा कि नहीं, लेकिन हमारा तो संगम पहले ही हो चुका है। हमारा निर्णय ठोस है, उत्तर प्रदेश में जो हम विकास करना चाहते हैं, जिस तरह से भाईचारा और चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, मूल रूप से किसान कमेरा वर्ग को संगठित करना जो उनकी मुख्य लड़ाई थी जीवन भर, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने गठबंधन किया है। और आज एक ही चेहरा है पूरे उत्तर प्रदेश में जिनके पास अनुभव भी है, विजन भी है और कार्य करने की क्षमता है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं और मुजफ्फरनगर की इस क्रांति भूमि पे, किसानों की धरती पे अखिलेश जी का स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले जयंत चौधरी जी और इसके साथ साथ मैं अपनी प्रेस के जितने भी साथी यहां उपस्थित हैं, मैं इस विलंब के लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा था, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। मैं पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुजफ्फरनगर में चुनाव की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सबसे पहले मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया था किसानों को मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनकी फसल पैदावार की सही कीमत मिल जाए और किसान और किसान का परिवार आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हो, चौधरी चरण सिंह जी, बाबा टिकैत जी, नेताजी और अजीत सिंह जी ने लगातार समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। जो सरकारें गूंगी बहरी हो गई थीं, उनको जगाया, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जयंत चौधरी जी और हम लोग मिलकर के उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चुनाव जहां किसान के भविष्य का है, नौजवान के भविष्य का है, व्यापार को आगे बढ़ाने का है, वहीं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है, जो किसानों को संपन्न बनाना चाहते थे, किसानों के लिए सपना देखा था कि वो संपन्न हों। लेकिन जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा कि उनकी आय दोगुनी होगी, फसल समय पर खरीदी जाएगी और भुगतान भी समय पर होगा, लेकिन जिस तरीके से जो तीन कानून लाए गए बिना किसानों की राय मशवरे के, और मैं बधाई देना चाहता हूं किसानों को, उनकी ताकत का एहसास दिलाया, लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंतोगत्वा वो कानून वापस लेने पड़े। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो तीन कानून क्यों लागू किए थे और तीन कानून क्यों वापस ले लिए। ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है
बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पर किए जाएंगे, वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े, फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। लैपटॉप पहले भी बांटा था, फिर बांटेंगे। समाजवादी पेंशन पहले भी दी थी, आगे भी देंगे। और वहीं मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है, इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, अगर आप में भी कोई लेना चाहे तो अन्न संकल्प ले सकता है। हम सब तो ले चुके हैं, ले लिया अन्न संकल्प ले लिया हमारे अध्यक्ष जी और सब लोगों ने। कहां पर ये हम दोनों बैठ करके तय कर लेंगे, बहुत जल्दी कुछ आज तय हो जाएगा, कुछ कल तय, कल तक आप देखेंगे सब तय हो जाएगा। ये गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी संस्कृति को मिल करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं, नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी आरएलडी मिलकर के, यहां सवाल ये नहीं किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला, हम दोनों मिलकर के किसानों के हक और सम्मान के लिए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी भी पुराने ही मुद्दे उठा रही है, उनके नेता पुराने ही सवाल उठा रहे हैं। कब भारतीय जनता पार्टी जहां बड़े रहे हैं, आप देखिए क्या हुआ है बिहार में, क्या हुआ है अयोध्या प्रयागराज में, कितने बड़े पैमाने पे नौजवान बाहर निकल करके आए। किसकी जिम्मेदारी थी परीक्षा को सही ढंग से कराना? आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के जो आंदोलन कर रहे नौजवान, कितना अपमानित होना पड़ रहा है उन्हें। सवाल यह है कि नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं करना चाहती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है? वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस। भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। उन्हें ये नहीं पता इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए जो ये भूल गए हों कि कोरोना फैलता कैसे है। मुझे खुशी है यहां जितने भी पत्रकार बैठे हैं और हम लोग सब जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। ये प्रिविलेज अगर किसी पर है किसी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट करने का तो भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, किस कोई भी ट्विस्ट कर सकती है। ये तो क्योंकि विभाग मेरे पास नहीं है, विभाग तो केंद्र सरकार के पास है, वही बता सकते हैं। चुनाव से पहले बहुत सारे लोग जाते और आते हैं जिन पर व्यापक समर्थन था, जिनके पास व्यापक जन समर्थन जनता खड़ी थी साथ। वो देखिए समाजवादियों के साथ आए कि नहीं आए, अभी तक उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। भाइयों को तो लड़ाते रहते किसकी आप किस पड़ोस में रहते हो? मैं उस पड़ोस में नहीं रहता, ना मेरा घर है वहां। देखिए पर्चे पर समाजवादी पार्टी ने बहुत सोच समझ करके और जो एक्सपर्ट हैं जो जानकार हैं उनसे राय मशवरा कर करके ये फैसला लिया है कि घरेलू बिजली और आम लोगों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली समाजवादी सरकार और आरएलडी के गठबंधन की सरकार बनने के बाद फैसला लेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग जानते होंगे 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी के आपने स्टेटमेंट सुने होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कभी भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर वो कारखाने बन गए होते तो आज उत्तर प्रदेश में इतने महंगे बिजली के बिल नहीं देने पड़ते। इसलिए सिंचाई माफ और 300 यूनिट माफ होगी, फ्री मिलेगी, बिल नहीं आएगा। और इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो सरकार को बिजली मिलती है वो सस्ती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं केवल एक बिजली के कारखाने का जो नेताजी के समय पर उत्तराखंड में श्रीनगर में लगा था, आज भी उसकी बिजली सबसे सस्ती है। जो एनटीपीसी से पुरानी बिजली उत्तर प्रदेश को मिलती है वो भी बहुत सस्ती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बन गई उसके बावजूद भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ाया। और जैसे ही समाजवादी पार्टी ने तय किया कि 300 यूनिट फ्री मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम भी बिल आधा करेंगे, तो हम भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि अगर आज आधा बिल कर रहे हो तो आपने 4.5 साल क्यों वसूला पैसा? क्या आप जनता का पैसा वापस करोगे? और बिजली के कारखाने का नाम अगर एक बार भी सुना हो मुख्यमंत्री जी के मुंह से तो बता दो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। वो अभी तक 4.5 साल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। सबके लिए है।
गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर होगा और किसान को कभी भी 15 दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कई बार पार्टियों ने ये वादे किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, अगर आपको याद होगा, जिस समय कारखानों को संकट के से गुजरना पड़ रहा था, उस समय पहली बार 2000 करोड़ बजट से पैसा देकर के किसानों का भुगतान कराया था। इसीलिए मैंने कहा कि फार्मर्स कॉर्पस फंड अगर बनाना पड़ेगा तो बजट से फार्मर्स के लिए कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जिससे किसान को इंतजार न करना पड़े, किसान को चीनी मिल के सामने धरना देना न देना पड़े। देवबंद में पुराने वाले नहीं, पुराने वाले राणा। देखिए, ये बड़े सवाल हैं, आरक्षण वाले बड़े सवाल हैं। मूल भावना से नहीं खिलवाड़ होनी है, और जिस समय समाजवादी सरकार थी तो लाभकारी योजनाओं में भी हर वर्ग के लोगों को आबादी के हिसाब से देने का प्रयास किया गया था। मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि 22 की सरकार अच्छी होगी, बेहतर होगी और किसानों के और नौजवानों के हित में होगी। हाँ, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कि जैसे ही समाजवादी पार्टी कोई अच्छा काम तय करती है या अच्छे काम के लिए फैसला लेती है जनता के लिए, उसी समय मुख्यमंत्री जी की भाषा बदल जाती है। पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसके लिए बाकायदा पूरा तैयारी के साथ, मैंने लखनऊ में भी प्रेस के सामने कहा कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं और जो वित्त विभाग में बहुत अनुभव के साथ पहले से काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो रिटायर हो गए हैं और कर्मचारी जितने भी उनके संगठन हैं, उनसे समय समय पर बात हुई है, उनसे और वित्त विभाग के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं एक्सपर्ट, उनके बीच में बातचीत के बाद ही फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसके लिए अगर बजट से भी पैसा कॉर्पस फंड के लिए देना पड़ेगा तो सरकार में दिया जाएगा। महिलाओं के लिए बेहतरीन सुरक्षा होगी, उनके लिए पहले भी सुरक्षा देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। अरे, उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? और सोचो सोचो हालात कैसे हैं। देखिए, उनके हालात कैसे हैं, हालात कैसे हैं उनके, सोचो, न्योता देना पड़ रहा है। और क्या चीज, मिल का विस्तार, जो मिल की कैपेसिटी का अगर विस्तार होगा तो वो तो तय होगा सरकार बनने के बाद। सरकार तो बनाओ आप, ये 100 नंबर जो बदल गया, इसमें गाड़ियां और दी जाएंगी, एम्बुलेंस बढ़ाई जाएंगी। राकेश जी को मैं समझा दूंगा, हमारे रथ में बैठेंगे, जो पत्रकार अपना सुझाव देंगे वो शामिल करेंगे, जो पत्रकार साथी कहेंगे और जो सुझाव देंगे, जो सुझाव मानने लायक होंगे वो स्वीकार किए जाएंगे। मैं पत्रकार साथियों से भी अपील करता हूं, हमारी मदद करें। समय पर समय पर खाद मिले, सस्ती कीटनाशक दवाइयां मिले और उनकी फसल को MSP के लिए इंतजाम हो, प्रोक्योरमेंट हो, खरीद केंद्र बने, ये इंतजाम किया जाएगा। और साथ ही साथ किसान जो अपने गन्ने भुगतान के लिए समय समय पर उन्हें आंदोलन करना पड़ता है, इस बार आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, कॉर्पस फंड बना करके उनका समय पर भुगतान होगा। बिल्कुल,
यूनिवर्सिटी बनाने में केवल वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट करना होता है। आप जहां कहोगे वहां अपॉइंट कर देंगे। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए कोई प्रस्ताव लाएगा उसको सहमति देंगे। अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी खोलना चाहेगा तो सहयोग करेंगे, सरकारी खोलना चाहेगा तो उसमें मदद करेंगे, बना दी जाएगी। मैं जो हमारे पत्रकार साथी कहते हैं यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, यूनिवर्सिटी बना देंगे। एम्स हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो अस्पताल को लेकर के कह रहे हैं कि बड़ा मेडिकल कॉलेज हो, ये किया जा सकता है कि एम्स के लिए प्रस्ताव भेज देंगे और एम्स के लिए जो जो समाजवादी सरकार में केंद्र सरकार चाहेगी वो सब सहूलियत दी जाएंगी। और मुझे खुशी है इस बात की कि जितने भी एम्स उत्तर प्रदेश में अभी तक खुले हैं, दोनों एम्स में जमीन समाजवादी सरकार ने ही दी है। तो अगर आने वाले समय में अस्पताल के लिए, बड़े एम्स के लिए जो भी केंद्र सरकार चाहेगी वो समाजवादी सरकार में उपलब्ध करा करके यहां भी उस तरह की सुविधा मिले, उस दिशा में काम करेंगे। मैं ये बड़ा सवाल है, नहीं मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता फ्लाई करके गए। इस पे अभी नहीं बोल सकते, सरकार बनने पर हम दोनों तय करेंगे। एक इसी का सवाल, मैं आपको एक व्यवस्था से संबंधित बात बताना चाह रहा हूं। एक सवाल किया गया था कि चुनाव के नियमों का अनुपालन, कल हमारे बुढ़ाना क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं राजपाल बालियान जी, ऑनलाइन उन्होंने आवेदन किया कि निवेदन किया ईसी में कि एक वीडियो वैन वो चलाना चाहते हैं। एक दिन बीत चुका है, अभी तक उन्हें अनुमति नहीं दी गई, जबकि बीजेपी की वैन आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है। हमारे पार्टी के लोग, गठबंधन के लोग ऑब्जर्वर से मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि इस तरह की जो शिकायत है उनका निस्तारण निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग के अधिकारी करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है, नाराजगियां हैं सरकार से और उम्मीद के साथ गठबंधन की तरफ वो देख रहे हैं। ओपीएस की बात अखिलेश जी ने कही है, कई वादे हमने किए। आज स्थिति यह है कि पोस्टल बैलेट की व्यवस्था में अधिकारी उनके वोटर आई कार्ड मंगवा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी कर्मचारी से, पुलिस कर्मियों से, जिनकी वोट पोस्टल बैलेट से पड़नी है, सतर्क रहें, बैलेट पेपर लेकर वोट बना के ही दें। अपने वोटर कार्ड को अधिकारी भी मांगे उसको ऐसे ना दें। धन्यवाद। ये जैन चौधरी जी ने ठीक बात कही है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को लगाया गया है कि वो दबाव बना करके और उनके वोटर आईडी ले लें या आधार कार्ड ले लें। और हो सकता है जिस तरीके से जिला पंचायत में अधिकारियों ने मन मर्जी के से वोट दिलवाए थे, इसमें भी लोगों पर दबाव बना रहे हैं। हम भी लिख करके चुनाव को इस बात को देंगे। मैं इसके साथ साथ जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करें। चरथावल से पंकज मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं, बुढ़ाना से राजपाल बालियान चुनाव लड़ रहे हैं, पुरकाजी से अनिल कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, मुजफ्फरनगर शहर से सौरभ स्वरूप चुनाव लड़ रहे हैं, मीरापुर से चंदन चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, खतौली से राजपाल सैनी जी चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता हमारा और जैन चौधरी जी की दोनों की अपील पर इनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। जो जो वादे हम लोगों ने मिलकर के किए हैं उन वादों को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को गरीब बना रही है, जिससे किसान गरीब निर्भर हो जाएं सरकारी राशन पे,
सरकारी कड़वे तेल पर। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हमारे पत्रकार साथी ने जो कहा है कि जो महंगाई हुई है सरसों के तेल की, आप भी प्रचार के माध्यम से रिफाइंड तेल मत खाइए। जो रिफाइंड तेल का प्रचार होता है आप भी उसमें बहक जाते हैं और आप भी खा लेते हैं। आप अपना शुद्ध सरसों का तेल और घर का बनाए हो घी के इसे ही खाना बनाए और खाएं। और समाजवादी सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे बुंदेलखंड, जहां पर बड़े पैमाने पर सरसों के तेल की पैदावार हो सकती है। मैं जब बुंदेलखंड गया था तो मैंने कहा था कि सरकार के अलग से अगर हमें सरसों के तेल की पराई के लिए कारखाने लगाने पड़े तो लगाएंगे, जिससे कि हमारा बुंदेलखंड के किसान को भी लाभ पहुंच जाए और उत्तर प्रदेश को कम से कम सस्ता सरसों का तेल उपलब्ध हो जाए खाने के लिए। बाबा जी कुछ जानते नहीं है। ये बहुत छोटा काम है, बड़ा काम करेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था, जब आरएलडी और समाजवादी पार्टी के कैराना का चुनाव जीते थे और मैं सहारनपुर आया था, तब भी मैंने कहा था कि कम से कम इस हिस्से को एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे कि लखनऊ पहुंचने में आपको कम समय में पहुंचा जा सके। भारतीय जनता पार्टी का तो गंगा एक्सप्रेसवे कब बनेगा कोई नहीं जानता, लेकिन इस हिस्से को जोड़ने के लिए अगर नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों मिलकर के एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बनाएंगे, जिससे कि लखनऊ पहुंचना आसान हो जाए। मैं ये कह सकता हूं कि जिस विभाग के वो मंत्री हैं उस विभाग के आंकड़े उनको पलट करके देखना चाहिए।